आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो कैनाल लाइनिंग है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैनाल लाइनिंग क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और अर्दन चैनल जो होता है हमारे पास उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें कैनाल लाइनिंग करनी पड़ती है। इस शुरू के एक दो लेक्चर में जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में हुए थे, एक लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इस पर बात की थी पहले लाइनिंग के हवाले से। इसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि कैनाल लाइनिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी, तो ये लाइन चैनल इसे कहते हैं। इसमें लाइनिंग हुई हुई है और ये जो एक हमारे पास अर्दन चैनल होता है, जो शुरू में हमारे पास नहर होती है वो कच्ची जिसे किनार कहलाते हैं, वो अर्दन होती है, मिट्टी की बनी होती है। तो उसमें सीपेज बहुत ज़्यादा होती है, वाटर लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हम चैनल को लाइन कर देते हैं। लाइनिंग का मतलब बेसिकली ये है कि आप एक वाटर टाइट और इम्परमीएबल, जिसमें से वाटर मूव ना कर सके, उस मटेरियल की आप जो है वो लेयर चढ़ा देते हो कैनाल के साइड्स पे भी और उसके बेड पे भी, ताकि वाटर जो है वो उसमें सीप ना करे, वाटर जो है उसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो और वाटर सीपेज के लॉसेस कम हो और वाटर लॉगिंग भी ना हो। वाटर लॉगिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ वाटर लॉगिंग क्या होती है, कि जब पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है तो उसका जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल उसको वो इंक्रीज़ करता है लेवल को। तो जब वो अर्थ तक आ जाता है जहाँ पे रूट जोन होता है फील्ड का या ट्री का, प्लांट का, तो उधर जब पानी आ जाता है तो उधर एयर सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते और उसको हम कहते हैं कि ज़मीन जो है आपकी इनफर्टाइल हो गई है, बंजर हो गई है। तो कैनाल लाइनिंग के ये भी फ़ायदा है कि ये वाटर लॉगिंग से भी आपकी ज़मीन को बचाता है। तो लाइनिंग मींस, जैसे कि मैंने अभी बताया है, लाइनिंग मींस प्रोटेक्शन ऑफ कैनाल प्रिज्म विद इम्परमियस मटेरियल। कैनाल लाइनिंग में बी रिजिड, सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल। अर्दन सरफेस ऑफ द चैनल इज लाइंड विद अ स्टेबल इन एरोडेबल लाइनिंग सरफेस सच एज कंक्रीट, टाइल्स, एसफाल्ट और ईटीसी। इन एरोडेबल का मतलब है कि जो एरोजन ना करे। एरोजन का आपको पता है, इसके आगे वो कह रहा है कि कंक्रीट की भी कर सकते हैं आप, टाइल्स भी लगा सकते हैं, ब्रिक लाइनिंग भी होती है और एसफाल्ट भी बिछा सकते हैं उसके ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज द डिमांड कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड आर बिकम इंक्रीजली स्कार्स। तो ये मतलब इसका ये है कि क्योंकि वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं तो हमने इसको कंजर्व करना है अपनी वाटर सप्लाई को, क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके लिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन रिक्वायर्स देयर फुल यूज ऑफ अवेलेबल वाटर बी मेड बाय मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस ड्यू टू सीपेज ड्यूरिंग कन्वेंस इन द कैनाल्स। तो कंजर्वेशन हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं कि जो कि हमारे पास जो अवेलेबल वाटर है उसका हम फुल यूज़ करें और जो उसके लॉस हैं सीपेज की वजह से कैनाल में ड्यूरिंग कन्वेयंस इन द कैनाल, वो हम कम से कम कर दें। कैनाल लाइनिंग ऑफर्स द सॉल्यूशन बिकॉज इट हेल्प्स कंजर्व द कॉस्टली इम्पोर्टेड वाटर अदरवाइज लॉस ड्यूरिंग कन्वेयंस ड्यू टू हाई सीपेज लॉसेज इन अनलाइंड सेक्शन। तो कैनाल लाइनिंग इसमें हमारी मदद करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये सीपेज लॉसेज जो है वो कम कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हमारे पास अर्दन चैनल होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव तो किनाल लाइनिंग में क्या क्या है, एक तो ये सीपी लॉसेस को मिनिमाइज करता है और ये जो एरिया होता है उसको वाटर लॉगिंग से जो है वो वाटर लॉगिंग के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है। ये अभी दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, सीपी लॉसेस और वाटर लॉगिंग। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द किनाल, जब उसके लॉसेज नहीं होंगे तो उसका डिस्चार्ज जो है वो भी ज़्यादा होगा किनाल का। इम्प्रूवमेंट ऑफ कमांड एंड लार्जर वर्किंग हेड फॉर पावर जनरेशन, तो जो कमांड एरिया होगा वो भी उसमें भी इम्प्रूव आएगा। कमांड एरिया ये होता है कि कनाल जब वाटर कनाल में फ़्लो करता है तो कनाल के एरिया जो एरिया होता है जिससे उस कनाल से वाटर मिलेगा, जिसको उसको हम कमांड कहते हैं कमांड एरिया। तो जाहिर बात है पानी ज़्यादा होगा तो उसका कमांड भी ज़्यादा होगा और जो हेड पावर जनरेशन के लिए जो हेड होता है, टर्बाइन को ज़रूरत होती है पानी के हेड की, वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले वही सीपेज कंट्रोल है जो भी मैंने आपको बताया है, और उसके बाद जो है वो
प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग है। तो सीपी लॉसेज आर कंसिडरेबली रिड्यूस इफ द चैनल्स आर लाइंड। अगर आपका चैनल जो है वो लाइंड होगा तो सीपी लॉसेज जो है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएंगे। अलाइंड कैनाल कोस अबाउट 2.5 टाइम्स एज मच एज एन अनलाइंड कैनाल। इसमें जो कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 टाइम्स आती है अनलाइंड कैनाल्स की नस्बत। तो कॉस्ट इसमें थोड़ी ज़्यादा आती है, बट वेयर सीपेज आर हैवी द सेविंग ऑफ कॉस्टली इरीगेशन वाटर में इटसेल्फ बी सफिशिएंट टू फुली जस्टिफाई द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लाइनिंग। लेकिन अगर सीपेज वहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि चैनल को लाइन कर दिया जाए, क्योंकि अगर कीमत उसकी ज़्यादा है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा है 2 to 2.5 टाइम्स। लेकिन इससे जो हमें फ़ायदा मिल रहा है वो हमने उसको भी देखना है, तो वो हमें ज़्यादा अगर मिल रहा है तो हम कहते हैं कि चैनल को लाइन कर दें। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अनकंट्रोल्ड सीपी थ्रू अनलाइंड कैनाल ऑफन रेजेस द वाटर टेबल इन द सराउंडिंग फील्ड्स। ये जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर सीपी ज़्यादा होगी तो वाटर टेबल जो है वो उसमें भी राइज आएगा, तो जब उसमें राइज आएगा तो वो एयर सर्कुलेशन भी स्ट्रोक हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन भी स्ट्रोक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो है फील्ड जो है वो इनफर्टाइल हो जाएंगी। तो इस फेनोमेना को, राइज ऑफ वाटर टेबल को, हम जो है वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल्स प्रिवेंट सीपेज एंड थस प्रोटेक्ट्स कल्टीवेबल लैंड फ्रॉम वाटर लॉगिंग। किनार लाइनिंग जो है वो सीपेज के से भी प्रोटेक्ट करती है और वाटर लॉगिंग से भी प्रोटेक्ट करती है। इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी। जब वाटर लॉसेज डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका वाटर जो है वो लॉस नहीं होगा, उसका हेड भी ज़्यादा होगा और उसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा, और चैनल की टेल तक जो है वाटर जो है वो अवेलेबल होगा, जो मतलब हमारे फार्मर्स हैं जो कि डाउनस्ट्रीम पे हैं एट एंड ऑफ द चैनल, उनको भी पानी पहुंचेगा। तो इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी का मतलब ये है। इंक्रीज इन कमांडेड एरिया, ये मैंने अभी बताया है कि कनाल के साथ साथ का जो एरिया होता है जिससे कनाल से जिसको पानी मिलता है जिस एरिए को, उसे कनाल का कमांड एरिया कहते हैं। तो जब लॉसेस कम होंगे, जब लॉसेस कम होंगे तो उसका कमांडेड एरिया जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर फिर डाउन स्ट्रीम तक अपने उस लेवल तक जाएगा जो आपने प्रपोज किया होगा। अनलाइन चैनल में क्योंकि सीपी लॉसेस होते हैं तो वो कमांड एरिया उसका फिर रिड्यूस हो जाता है। तो उसके बाद रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, क्योंकि आपका जो खर्चा आना है वो आपका किनार लाइनिंग में ही आना है। एक दफ़ा लाइनिंग हो गई है तो फिर आपको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, शाज़ो नाज़र ही मौका आता है कि आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, तो जिसकी वजह से ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। द अपकीप अनलाइन कैनाल इन्वॉल्व रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स जनरली चार्ज अंडर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम। This expenditure may be required on priority removal of silt deposit on the bed and side of the canal section, minor repairs like filling of cracks, cuts and uneven settlements, removal of weeds and water plants. The provision of lining reduces these charges considerably. इसका मतलब ये है कि आप अगर आपका चैनल अनलाइंड है, लाइन नहीं है, तो उसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? कि उसमें आपको जो है वो सिल्ट जो डिपॉजिट होती है उसको रिमूव करना पड़ता है उसकी बेड और साइड ऑफ कैनाल सेक्शन से, उसमें आपका जो है वो एक्सपेंडिचर आते हैं। और दूसरा जो आपके पास छोटे मोटे रिपेयर्स होते हैं जैसे फिलिंग ऑफ क्रैक्स हो गया, कट्स हो गया, सेटलमेंट्स वगैरह, या जो ये वीड्स होती हैं या वाटर प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आपके पास आपका एक्सपेंडिचर होता है अगर आपके पास अर्दन चैनल है, लाइन नहीं है। लेकिन जब आपके पास लाइन कैनाल है तो उसमें तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी, ना तो उसमें वीड की प्रॉब्लम होगी, ना उसमें ये जो आपकी सिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है वो परमिएबल ही नहीं होगा, क्योंकि परमिएबल होगा किनाल आने की वजह से सरफेस आपकी, तो ये आपके एक्सपेंडिचर उसमें नहीं आते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। पांचवा, एलिमिनेशन ऑफ डेंजर ऑफ ब्रीचिंग।
तो किनार की जो ब्लीचिंग होती है वो भी नहीं होती लैंड कैनाल में, तो उसका भी आपको ख़तरा नहीं होता अगर आप चैनल को लैंड कर देते हैं। तो अगर अनलैंड कैनाल है तो फाउंडेड ऑन वीकर फाउंडेशन इज ऑलवेज इन डेंजर एंड अ ब्रीच में अकर एट एनी टाइम। लेकिन अब आपके पास अनलैंड कैनाल है तो उधर ब्रीच की प्रॉब्लम होती है, उसकी फाउंडेशन जो है वो वीकर हो सकती है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आपके पास लैंड कैनाल है तो लैंड कैनाल में आपको ब्रीचिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदे तो हमने इसके देख लिए हैं, अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो वही डिसएडवांटेज है कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, कॉस्टली रिपेयर है, शिफ्टिंग ऑफ आउटलेट्स इज कॉस्टली बिकॉज इट इन्वॉल्व डिसमेंटलिंग एंड लेइंग ऑफ लाइनिंग, लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड है, सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड लेबर इज़ नीडेड। तो देखा जाए तो अगर आप ब्रिक लाइनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको भी लेबर भी स्किल चाहिए होती है। ब्रिक लाइनिंग जो है वो कंक्रीट लाइनिंग से कंपेयर टू ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं पांच। अच्छा, ये क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में पूछा गया था कि लाइनिंग हमने करनी कौन सी है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो तब मैंने आपको बताया था कि इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सी लाइनिंग जो है वो सूटेबल है। तो सबसे पहले जो है उसका फैक्टर में देखा जाए तो इम्परवियसनेस है, टू सेव सीपी लोसीज एंड एज एन इम्पोर्टेंट एंटी वाटर लॉगिंग में या इट शुड इंश्योर मैक्सिमम डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस, सीमेंट एंड कंक्रीट लाइनिंग इज मोर इम्परवियस दैन टाइल लाइनिंग। तो अगर हम इम्परवियस की बात की जाए तो हमारे पास जो सीमेंट और कंक्रीट है वो ज़्यादा इम्परवियस और वाटर टाइट है एज़ कम्पेयर टू टाइल लाइनिंग, तो उसके लिए फिर हम इन सीमेंट एंड कंक्रीट लाइनिंग को प्रेफर करेंगे ब्रेक और टाइल लाइनिंग की जगह। उसके बाद है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ चैनल वेरीज इनवर्सली विद द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस ऑफ द लाइन सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस इंक्रीजिंग विद द डिटरियरेशन ऑफ लाइन सरफेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंक्रीट एंड टाइल लाइनिंग आर हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट। तो ये रेफरेंस कोएफिशिएंट और रफनेस की वैल्यू की बात हो रही है, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एन की वैल्यू। हमने मैनिंग इक्वेशन देखी थी और मैनिंग इक्वेशन में एक उसमें एक पार्ट था एन का, स्मॉल एन, जिसको हमने रफनेस कोएफिशिएंट कहा था। तो ये उसी की बात कर रहा है कि कंक्रीट और टाइल के लिए ये अच्छा होता है एन की वैल्यू, जिसकी वजह से रफनेस कम होती है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये कोएफिशिएंट और रफनेस जो है ये एन की वैल्यू को बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी, द लाइनिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ऑफ कोर्स इट शुड बी रेजिस्टेंस टू वेयरिंग, वेदरिंग, केमिकल एक्शन ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन सॉइल, थर्मल एंड मॉइस्चर चेंजेस। ये कंक्रीट के लेक्चर में भी ड्यूरेबिलिटी की बात हुई थी। ड्यूरेबिलिटी का आपको पता है कि वेदर एक्शन के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटीरियल की, उसे हम ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। वेदरिंग के अगेंस्ट, वेयरिंग के अगेंस्ट, केमिकल एक्शन ऑफ साल्ट के अगेंस्ट, तो जो हम मटीरियल यूज़ करेंगे लाइनिंग के लिए वो भी ड्यूरेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, द लाइनिंग शुड बी रीजनेबली एबल टू विस्टैंड द डिफरेंशियल सबसॉइल वाटर प्रेशर ड्यू टू सबसॉइल वाटर एंड बैकफिल गेटिंग सैचुरेटेड थ्रू सीपेज और ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन। तो इसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए लाइनिंग की, इस बेस पे हम जो है वो लाइनिंग को डिसाइड करते हैं। इकोनॉमी जो है वो मेन फैक्टर है, इकोनॉमी को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप को यूज़ किया जाए। तो लाइनिंग शुड बी इकोनॉमिकल इन इनिशियल कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हाई वेलोसिटी, लाइनिंग इज इंटेंडेड टू विदस्टैंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो सो दैट द सेक्शन इज द मिनिमल पॉसिबली पॉसिबल। तो जब आपके पास लाइन चैनल होगा तो वाटर की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उस वेलोसिटी को बर्दाश्त करने के लिए लाइनिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये ना हो कि लाइनिंग जो आपकी डैमेज हो जाए वाटर की वेलोसिटी से, उसके प्रेशर से। लाइफ ऑफ लाइनिंग शुड बी एज इंटेंडेड, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हैज़ द लॉन्गेस्ट प्रूव लाइफ ओवर 60 ईयर्स विद लीस्ट मेंटेनेंस। अगर तो आप कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, पीसीसी करते हैं, तो उसकी जो वो आपकी 60 ईयर 60 साल तक रहेगी, उसमें कोई आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी मेंटेनेंस होती है उसकी। वीट ग्रोथ,
The lining should be impenetrable to root of plants, entirely eliminating the possibility of weed growth to keep the flow smooth, clear and perfect. तो जब आपका चैनल लाइंड होगा तो उनके वाटर सीप ही नहीं करेगा, रूट जोन तक ही नहीं जाएगा, तो आपकी वीड की ग्रोथ भी नहीं होगी किनाल में. तो इस प्रॉब्लम से भी आपको कोई मसला नहीं होगा, ये होगी नहीं वीड ग्रोथ. उसके बाद ये अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है कि जहाँ आप लाइनिंग जो कर रहे हो उसका मटेरियल आपको ईजिली अवेलेबल होना चाहिए पास, ताकि उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वगैरह कम से कम हो, इकोनॉमिकली ये अच्छा है, और रेडिली अवेलेबल होना चाहिए मटीरियल. तो जो मटेरियल आपने लाइनिंग करनी है उसको मटेरियल को अवेलेबल भी होना चाहिए नज़दीक. फिर आपके पास लेबर स्ट्रेंथ भी अवेलेबल होनी चाहिए. मसाल के तौर पर अगर आप ब्रिक लाइनिंग करते हो तो उसके लिए आपके पास लेबर भी पास ही नज़दीक ही होना चाहिए जो कि उस काम को अच्छे से कर सके. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये भी मेंटेनेंस चार्जेस भी उसके देखने पड़ते हैं कि ये अगर हम करते हैं तो उसके कितने चार्जेस आएंगे, इसकी मेंटेनेंस पे कितने चार्जेस आएंगे. उसकी बेस पे भी लाइनिंग टाइप को असेस किया जाता है कि हमने कौन सी लाइन की टाइप करनी है, लाइनिंग की टाइप करनी है. सब ग्रेड जो है वो बॉटम लेयर होती है सबसे. सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ लाइनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब ग्रेड व्हिच सपोर्ट्स इट. अडैप्टेबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ लाइनिंग सिलेक्टेड टू द गिवन सब ग्रेड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो सब ग्रेड की बेस पे भी आप लाइनिंग डिसाइड करते हैं कौन सी लाइनिंग करनी है. रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, क्योंकि आपके पास सेडिमेंट्स भी होते हैं किनाल के साथ, तो जब आप लाइनिंग करते हैं तो वो लाइनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं. कंक्रीट एंड बोल्डर लाइनिंग आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू एब्रेशन. ये कंक्रीट लाइनिंग और जो बोल्डर लाइनिंग होती है ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एब्रेशन एज कम्पेयर टू अदर लाइनिंग्स. टाइप्स ऑफ किनाल लाइनिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास टाइप्स हैं सारी. इसमें आरसी लाइनिंग भी है, रिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग भी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग भी है जिसे पीसीसी भी कहते हैं, प्री फैब्रिकेटेड सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग भी है, शॉर्ट क्रीट लाइनिंग भी है, ब्रिक और टाइल लाइनिंग भी है, एसफाल्ट कंक्रीट लाइनिंग भी है, स्टोन सॉइल सीमेंट कंपैक्टेड स्टेबलाइज्ड अर्थ लाइनिंग और मेम्ब्रेन लाइनिंग जो है ये मॉडर्न है, एक्सपोज मेम्ब्रेन और membrane. तो सबसे पहले रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग है जिसे आरसीसी लाइनिंग कहते हैं. मोस्ट कंक्रीट लाइनिंग स्टार्ट इन ओल्डर इरिगेशन चैनल्स वर रिइंफोर्स. पुरानी जो लाइनिंग की गई थी सबसे पहले तो वो रिइंफोर्स ही की गई थी. ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स रिइंफोर्समेंट हैज बीन ओमिटेड वेयर पॉसिबल टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को हम जो है वो रिइंफोर्समेंट यूज़ नहीं करते, हम पीसीसी लाइनिंग ही करते हैं. ये अगर आप तौसा बिराज वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे जो कच्ची किनाल है उस पर कंक्रीट लाइनिंग की गई है पीसीसी लाइनिंग. और ये डीजी खान राजनपुर और इस तरह के जंग फैसलाबाद में भी जो लाइनिंग है वो कंक्रीट लाइनिंग ही है. अनरिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग आर टू सम एक्सटेंट ससेप्टिबल टू डैमेज बाय हाइड्रोस्टैटिक और अदर प्रेशर अंडर द लाइनिंग दैन रिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग. तो जो हमारे पास पी सी सी लाइनिंग है ये हाइड्रोस्टैटिक और अदर जो प्रेशर होते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो सस्टेबल हो सकता है दैन रिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग, क्योंकि रिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पी सी सी लाइनिंग. लेकिन जहाँ हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कोर्स जो है वो मेन फैक्टर है वहाँ पर फिर हम पी सी सी लाइनिंग करते हैं. पाकिस्तान में पी सी सी लाइनिंग ही हो रही है. Where unexpected hydrostatic pressures are encountered under the lining, unreinforced concrete ruptures more readily than the reinforced concrete. ये वही बात कर रहा है कि unreinforced concrete lining में ज़्यादा rupture होता है due to pressure than reinforced concrete lining. Reinforced concrete lining को हम unusual condition में prefer करते हैं. Reinforcement भी हम डालते हैं उधर जहाँ पे high backfill pressure हो, हाई फ्लो वेलोसिटी हो, अनस्टेबल सबग्रेड हो और यहाँ पे फेलियर का ख़तरा हो, तो वहाँ पे हम फिर रिइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग करते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ रिइंफोर्समेंट इज़ टू मिनिमाइज द टेंडेंसी एंड सेवरिटी ऑफ क्रैकिंग एंड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंक्रीट स्लैब. तो मेन फंक्शन रिइंफोर्समेंट का ये होता है कि क्रैकिंग को जो है वो कंट्रोल करता है और सेवरल पार्ट्स ऑफ कंक्रीट स्लैब को सेपरेट होने से रोकता है. अब ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग इसमें रिइंफोर्समेंट यूज़ नहीं होती, तो
concrete landing probably constitute the best type where benefit justify their high cost. Properly designed, constructed and maintained concrete landing should have an average service life of over 40 years. इसकी जो लाइफ होती है सर्विसेबल लाइफ ये 40 इयर्स होती है, लेकिन कुछ लाइनिंग जो है वो 50 टू 60 इयर्स ओल्ड की भी होती हैं। तो कंक्रीट लाइनिंग आर सुटेबल फॉर लार्ज एंड स्मॉल कैनाल्स एंड फॉर बोथ हाई एंड लो वेलोसिटी, दे फुलफिल प्रैक्टिकली पर्पस ऑफ लाइनिंग, दे आर यूजली सब्जेक्ट टू सम क्रैकिंग बट क्रैक्स विद परमानेंट अप्रिशिएबल लीकेज कैन बी सीड विद एस्फाल्टेड कंपाउंड्स। तो इसमें हम जॉइंट्स भी देते हैं जहाँ पे हम एस्फाल्ट फिल कर देते हैं ताकि वो क्रैक उसमें ना आए उसकी एक्सपेंशन की वजह से या उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो कॉस्टली मेंटेनेंस इसकी नहीं होती। दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय वेल डिजाइन प्रीमिक्स सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सिलेक्टेड एग्रीगेट्स पोर्ड एंड सीमेंट एंड वाटर। तो इसमें एग्रीगेट होते हैं, सीमेंट होती है, वाटर होती है, पीसीसी में आपको पता है। कंक्रीट मिक्सचर हैव इनफ प्लास्टिसिटी फॉर थोरो कंसोलिडेशन। It can be laid manually or by mechanical means. Hand placing is possible only in small canals and distributed. अब अगर आपके पास कैनाल जो है वो छोटी है, उसका डायमेंशन इतनी नहीं है, मतलब बेड आपका जो है वो छोटा है पांच, तो वहाँ पे आप उसको हैंड प्लेसिंग भी कर सकते हैं। कंक्रीट लाइनिंग यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 to 6 inch थिक स्लैब प्लेस्ड ऑन वेल प्रिपेयर्ड कैनाल सब ग्रेड। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।